हाय गाइस, मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट। प्लीज इन्हें सब्सक्राइब कर लेना। देवोलीना और रश्मि, कम से कम अब तो ये गंदगी बंद करो। क्या तुम्हें अब भी एक ऐसे इंसान के नाम पे फुटेज चाहिए जो हमारे बीच में नहीं है? गाइस, वैसे मैं बता दूँ, ये तब तक बंद नहीं करेंगी ये सब कुछ जब तक बिग बॉस इन्हें खुद थक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल देते हैं। जी हाँ, क्योंकि ये टीआरपी के लिए लाई गई थी, टीआरपी क्वीन, लेकिन टीआरपी तो और भी घट गई है, क्योंकि इनकी ये गंदी हरकतें कौन देखना चाहेगा? देवोलीना फिर से झगड़े के बीच सिद्धार्थ को ले आई है। कल ही तो मैंने आपको बताया था, फिर से रश्मि को टॉन्ट मार रही है। वो तो बताऊंगी क्या कहा है। ये जो दो सहेलियां हैं, मैं आपको बता दूं, घर से बाहर जाते ही फिर से मगरमच्छ के आंसू बहाएंगी, रोएंगी और फिर से दोस्ती कर लेंगी, क्योंकि ये जो सब कुछ कर रही हैं ये इनका ड्रामा है। क्योंकि इनको पता है घर में किसी और से तो फुटेज मिलेगी नहीं, तो आपस में झगड़ा कर लेते हैं। अब यारान ने कहा भी था कि आप लोगों को क्या लगता है ये चेंज हो गई है? नहीं, ये वही अटेंशन सिंपैथी गेनर है, ऐसी लड़की, यू नो इफ यू नो। सही कहा है उन्होंने, पहले पूरी बदतमीजी कर लो, लड़ लो, झगड़ लो, दूसरों को नीचा दिखाओ और उसके बाद सिंपैथी लेने के लिए रो लो। ये काम अब भी कर रही है वो। हालांकि इन्हें तेजरन फैंस भी कोस रहे हैं कि ये तेजस्वी और करण के बीच आ रही हैं, जब से आई हैं झगड़ा करा रही हैं। चलिए, वो हमारा मैटर नहीं है। वैसे दोनों ही सहेलियां घर के अंदर अपनी अपनी जोड़ी बनाने में लगी हैं, और बाहर इनके फैंस कहें या पीआर, उन जोड़ियों के नाम भी रख दिए हैं। देखिए, ये है कि रश्मि और उमर की जोड़ी, और वहीं बात करें तो भाई प्रतीक को किसके साथ जोड़ा जा रहा है? देवोलीना के साथ। उनके साथ जोड़ी बनाई जा रही है, उनके मोमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, जी हाँ, या क्रिएट किए जा रहे हैं खुद। चलिए, जो ये भी इनका अपना मैटर है। अब बात करती हूँ कि आज क्या कहा देवोलीना ने। देवोलीना कहती हैं, हरकतों से बाज आ जाओ रश्मि, ये जो तुम हरकतें पहले कर चुकी हो ना, ये जो गंदगी कर चुकी हो, ये मत करो। एक के साथ तुम पहले कर चुकी हो। जी हाँ, ये कहती हैं कि ये जो गंदगी और ये हरकतें तुम पहले कर चुकी हो, ये मेरे साथ करने की कोशिश मत करो। और आप सभी को पता है कि वो पहले कब आई थी बिग बॉस में, सीजन 13 में, और किसके साथ उन्होंने ये हरकतें और ये गंदगी की थी? सिद्धार्थ के साथ। जी हाँ, तो ये आज फिर से देवोलीना ने बोला है। कल जो बोला था मैंने आपको बताया ही था कि तू नीच है, तू गिरी हुई है, तू लोगों का यूज करती है, ये सब। तो आज फिर से इनका ड्रामा हुआ। आप सबको क्या लगता है इस ड्रामे में कितनी सच्चाई है, और बाहर आके और कितना ड्रामा करेंगी ये फिर से दोस्ती दिखाने के लिए? प्लीज कमेंट करना और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू गाइज।